बूंदी के केशव राय पाटन से बड़ी खबर है। आपको बताएं कि कापरेन में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने दंपति को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। शिवनगर इलाके के रिद्धि सिद्धि नगर की बताई जा रही है पूरी घटना। सूत्रों के मुताबिक करीब 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी, 57,000 नकदी ले उड़े बदमाश। देर रात 2:30 बजे करीब की ये बताई जा रही है घटना। कापरेन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बदमाशों ने दंपत्ति से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दंपत्ति को बंधक बनाया और फिर लूट की। करीब 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी, 57,000 की नकदी लेकर बदमाश फरार हो गए। और ये जो वारदात है, दरअसल देर रात 2:30 बजे करीब की बताई जा रही है। और ये बिखरा हुआ सामान उस समय के हालातों को बयां कर रहा है जब बदमाश घर में घुसे होंगे। तितर बितर पूरा सामान और जितना भी सामान, सोना चांदी कैश, वो सब ले उड़े बदमाश। दंपत्ति को बंधक बना लिया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि सूत्रीय बता रहे हैं कि 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी, 57,000 की नकदी लेकर फरार हो गए हैं बदमाश। लूट की वारदात को अंजाम दिया, आसानी से फरार हो गए और सारा जितना भी कैश, सोना चांदी के जो आभूषण थे, वो सब बदमाश ले उड़े। मयंक स्थानीय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मयंक, और क्या जानकारी मिल रही है? जी दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, कापरेन थाना इलाके का ये पूरा मामला है। कापरेन शहर के रिद्धि सिद्धि नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जो ये जो दंपति है, इनका नाम है दीपक बागड़ा। जो दंपति है, इनका करीब 2:30 बजे करीब की पूरी वारदात है, जिसमें करीब 5-6 जो नकाबपोश बदमाश थे वो घर में घुसे और घर की जो छत के पे जो एंगल लगी हुई थी, जो जाली लगी हुई थी, उसको तोड़ के इन्होंने घर में एंट्री की। और जैसे ही घर में एंट्री की तो दंपति जग उठे, तो उन्होंने जब इनका विरोध किया तो उन्होंने गोली मारने की इनको धमकी दी। और धमकी देने के बाद उन्होंने जेवरात जो पहन रखे थे वो भी खुलवा लिए और करीब जो 40 तोला सोना जो दंपति बता रहे हैं, और 3 किलो चांदी और 57,000 रुपए की नकदी ये बदमाश ले उड़े। जी फिलहाल कापरेन पुलिस जो है पूरे मामले पे निगाह जमा हुए है और मामले की जांच में जुटी हुई है। मयंक, क्या दंपति के साथ मारपीट भी की गई है? जी, मारपीट की बात फिलहाल सामने नहीं आ रही है। और जब दंपति से भी हमने बात की तो मारपीट की बात से इनकार कर रही है, लेकिन उन्होंने बंधक बना के, और दंपति जो महिला है किरण बागरा, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल डरे हुए थे, उनके हाथ में सरिये बताए जा रहे हैं और फिलहाल पिस्टल किसी ने देखी नहीं है, दंपति ने भी पिस्टल देखी नहीं है, लेकिन उन्होंने गोली मारने की बात जरूर कही है। लेकिन मयंक, बदमाश घुसे कैसे घर में, दंपति ने कुछ बताया? जो घर की छत है, छत के ऊपर जो जाली लगी हुई थी, जाली को हटा के बदमाश घर में एंट्री हुए थे। फिलहाल पुलिस से शिकायत कर दी गई है, पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच दे दी है और मामले की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने मौका मुआयना भी किया है और बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है। अच्छा मयंक, क्या बताया गया है कितनी संख्या में ये बदमाश थे, क्या किसी का चेहरा दंपति ने देखा? दंपति बता रहे हैं कि बदमाश करीब 5-6 थे, जिनमें एक बदमाश के नकाब लगा हुआ था, बाकी के नकाब खुले हुए थे। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।